श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आज शुभ नवरात्रि का चौथा दिन है। राम तो कथा प्रारंभ होता है, सुनो वीर हनुमान। लय लय आसन बैठिए वीर वीर मलखान। लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा। सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी सही। पर वीर बिकल उठाव दस मुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके एक सिर जिम रज कनी। जही चाह उठावन मूढ़ रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी। वह ब्रह्मा की दी हुई ब्रह्मा प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी के ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर श्री राम गिरे पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यों ही रह गई। श्री राम व्यर्थ हो गई, वह उन्हें उठा ना सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल में एक कण के समान विराज दा है। उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। प्रभु की कृपा भयव सब काजू। सीताराम 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 जन्म हमारे सुफल भायाजू। सीताराम 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 सीताराम। राम जी देखो उसमें वो लगवा बहुत आ जाएगी नहीं मच्छर उसमें आग लगवा दो। सीताराम सीताराम सीताराम। देख पवन सुत धायो बोलत बचन कठोर। आवत कपिहि हन्यवतहि मुष्टि प्रहार प्रघोर। लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा। ये देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर घूसे का प्रहार किया। श्री राम जानू टेके कपी भूमि न गिरा। सीताराम 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 सीताराम। मच्छर बहुत चला गया मुझे। हाँ सीताराम उठा समारी बहुत से भरा। सीताराम 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 सीताराम। मुतिका एक ताही कपि मारा। सीताराम 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 सीताराम। परव शैल जन वज्र प्रहारा। सीताराम 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 सीताराम। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा। वे ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मुरछा गए बहोरी सो जागा। सीताराम 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 सीताराम। कपि बल विपुल सराहन लागा। सीताराम 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 सीताराम। धिग धिग मम पौरुष धिग मोही। सीताराम 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 सीताराम। जौ तैं जियत रहसी सुर द्रोही। सीताराम 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 सीताराम। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जागा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है। जो देव द्रोही को अब भी जीता रह गया। अस कही लक्ष्मण कहूँ कपिल आयो। सीताराम 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 सीताराम। देख दशानन विस्मय पायो। सीताराम 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 सीताराम।
कहे रघुबीर समुझो जिया ब्राता सीताराम 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 तुम्हें व्रतांत भक्षक सुर त्राता सीताराम 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 सीताराम। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई हृदय में समझो तुम राम काल के भक्षक और देवताओं के रक्षक हो सहायक हो। राम सुनत बचन उठ बैठ कृपाला सीताराम 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 गई गगन सो सकति कराला सीताराम 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 पुनि को दंड बान गई जाए सीताराम 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 रिपुसन मुखे अतिया चुरे आए सीताराम 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 सीताराम। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह क्राल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुँचे। श्री राम आतुर बहोरी विभंजी चंदन सूत हति व्याकुल कियो गिरोधर निदस कंधर विकल तर बाण सत बेधवहियो। श्री राम सारथी दूसर खाली रथ कही तुरत लंका ले गयो रघुबीर बंधु प्रताप पुंज बहोरी प्रभु चरण नयो। सीताराम फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मार कर उसे रावण को व्याकुल कर दिया। सौ बाणों से उसका हृदय बेध दिया जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप राम प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु की कृपा भयव सब काजू सीताराम 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 जिनमें हमारे जुबल भाया जो सीताराम 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 सीताराम। उहां दशानन जाग करी करें लाग कछु जग जान विरोध विजय तह सठ हठ बस अति अज्ञे लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा। वहाँ लंका में रावण मूर्छा से जाकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठ बस श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई सीताराम 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 सपदि जाई रघुपति सुनाई सीताराम 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 सीताराम। नाथ करई रावण यक जागा सीताराम 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 सीधे भय मरी अभागा सीताराम 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 सीताराम। वहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ रावण एक यज्ञ कर रहा है उसके सिद्ध होने पर वे अभागा सहज ही नहीं मरेगा। पठवहु नाथ बेग भट बंदर सीताराम 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 करहि ध्वंस आव दस कंधर सीताराम 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 सीताराम। प्रात होत प्रभु सुभट पठाए सीताराम 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 हनुमान
हनुमान दाजी अंगद सब दाए सीताराम 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 सीताराम। हे नाथ तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करें जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातःकाल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा, हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। कौर के कूद चढ़े कभी लंका सीताराम 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 सीताराम। बैठे रावण भवन अशंका सीताराम 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 सीताराम। जय करत जब सो देखा सीताराम 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 सीताराम। सकल कपिन भाकोध विशेखा सीताराम 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 सीताराम। बानर खेल खेले से ही कूद कर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा त्यों ही सब बानरों को बहुत क्रोध हुआ। श्री राम रण के नीलज भाज रहे आवा सीताराम 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 सीताराम। यहाँ आई पक ध्यान लगावा सीताराम 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 सीताराम। अस कही अंगज मारा लाता सीताराम 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 सीताराम। सवन सच स्वारथ मन राता सीताराम 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 सीताराम। उन्होंने कहा अरे जो निर्लज्ज रणभूमि से हर भाग आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगा कर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी पर उसने उसे इनकी ओर देखा भी नहीं। वह दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। नहीं चितव जब करी कोप कापी गई दसन लातन मारही। धरी के से नारी निकारी बाहर तेज तेती दीन पुकारही। तब उठे वे क्रोध कृतांत समय गही चरण बानर डारई। यही बीच कपिन विध्वंस कृत मख देख मन महु हारई। जब उसने नहीं देखा तब बानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़ कर काटने काटते और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीटने लगे। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और बानरों के पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच बानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। ये देखकर वह मन में हारने लगा व्यास होने लगा। प्रभु की कृपा भयव सब काजू सीताराम 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 सीताराम। जन्म हमारे सुफल बाया जो सीताराम 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 सीताराम। जग विध्वंस कुशल कपि आए रघुपति पास सीताराम। चल वे निशाचर क्रुद्ध होई त्याग आस त्याग आस। लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर बानर रघु नाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलते हो ही अति अशुभ भयंकर सीताराम 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 सीताराम। बैठंगी देवराय सिरन पर सीताराम 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 सीताराम। भयव काल बस काहू न माना सीताराम 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 सीताराम। कहसी बजाओ अयोध्य निशाना सीताराम 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 सीताराम। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशगुन होने लगे। गीधे उड़ उड़ कर उसके
सिरों पर श्री राम बैठने लगे, किंतु वह काल के बस था, इससे किसी भी असगुन को नहीं मानता था। उसने कहा, है युद्ध का घंटा बजाओ, चली कमी चरयनी अपारा, सीताराम 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 सीताराम, बहु गजरथ पदाति असवारा, सीताराम 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 सीताराम, प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, सीताराम 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 सीताराम, अशंस लभ समूह अनल कहाँ जैसे, सीताराम 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 सीताराम। निशाचरों की अपार सेना चली, उसमें बहुत से हाथी रथ घुड़सवार और पैदल हैं, वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। राम हाँ देव तन आस्तुति की, सीताराम 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 सीताराम, दारुण विपत्ति हम ही यही, सीताराम 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 सीताराम, अब जनी राम खिला हुए ही, सीताराम 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 सीताराम, अति साय दुखी थे होती बैदे, सीताराम 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 सीताराम। इधर देवताओं ने स्तुति की, हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक ना खिलाइए, जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही हैं। देव वचन सुनी प्रभु मुस्काना, सीताराम 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 सीताराम, उठे रघुवीर सुधार, सीताराम सीताराम सीताराम, जटाजूट जड़ बांधे माथे, सीताराम 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 सीताराम, सोहाई सुमन बीच बीच गाथे, सीताराम 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 सीताराम। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए, फिर श्री रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे, मस्तक श्री राम मस्तक पर जटाओं के जूटों को कस कर बांधे हुए हैं, उनके बीच बीच में पुष्प गुथे हुए सुशोभित हो रहे हैं। अरुण नयन वारिद तनु श्यामा, सीताराम 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 सीताराम, अखिल लोक लोचन विरामा, सीताराम 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 सीताराम, कति तट परिकर कस्वनि संगा, सीताराम 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 सीताराम, कर को दंड कठिन सारंगा, सीताराम 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 सीताराम। लाल और मैं के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोगों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं, प्रभु के कमर में फेटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर शंख धनुष ले लिया, सारंग कर सुंदर निसंग सिली मुखा कर, कति कस्यो भुज दंड तीन मनोहरायत, उर धरा सुर पद लस्यो, कहि दास तुलसी जब ही प्रभु सर चाप कर, फेरन लगे बजरंगी ब्रह्मांड की गज कमठ अहि मही, सिंधु भूधर जग मगे। प्रभु ने हाथ में धनुष सारंग धनुष लेकर कमर में बाहों की खान अच्छे सुंदर तरकस कस लिया, उनके भुजदंड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्रह्मांड भृगु जी के चरण का चिन्ह सुशोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर गिराने लगे, जो ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कच्छप शेष जी पृथ्वी समुद्र और पर्वत सभी जगमगा उठे,
प्रभु की कृपा भयव सब काजू। सीताराम 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 जन्म हमारे सुफल भाया जो। सीताराम 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 प्रभु शोभा देखि हर शिशुर बर सही सुमन अपार। सीताराम जय 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 करुणानिधि छवि बल गुण आगार। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि उमा। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की आपार वर्षा करने लगे और शोभा शक्ति और गुण के धाम करुणानिधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो ठाकुर जी की जय हो ऐसा पुकारने लगे। यही बीच निशा ये श्याम यही बीच निशा चरणी। सीताराम 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 कस मसात आई अति धनी। सीताराम 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 देखी चले सन मुख कपि भत्ता। सीताराम 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 प्रलय काले जन धन घटा। सीताराम 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 इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हो। राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम बहु कृपाल तरवारी चमन कहीं। सीताराम 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 जनु दह दिस दामी दमन जन जनु दह दिस दामी दमन कहीं। सीताराम 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 गजरथ तुरंग शिकार कठोरा। सीताराम 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 गरजहीं मनहु बलाहक घोरा। सीताराम 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 बहुत से कृपाण और तलवारें चमक रही हैं मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हो। हाथी रथ और घोड़ों का कठोर चिंगार ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गरज रहे हो। सीताराम 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 मनहु इंद्र धनु ये सुहाए। सीताराम 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 उठाई धूरी मानहु जल धारा। सीताराम 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 बान बूंद भय बृष्टि अपारा। सीताराम 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 बानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं। वे ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्र धनुष उदय हुए हो। धूल ऐसी उड़ रही है मानो जल की धारा हो। बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। श्राम गहु दिश पर्वत करहि प्रहारा। सीताराम 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 वज्रपात जनु बारहि बारा। सीताराम 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 रघुपति कोटि बाण धरि लाई। सीताराम 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 घायल भयंकर समुदायी। सीताराम 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 दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं मानो बार बार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी इससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। लाजत बाण वीर ची करहीं। सीताराम 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 सीताराम
धुरुम जाता मही परही सीताराम 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 चवन ही सैलु जम निर्झर भारी सीताराम 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 सोनित सरिता दर भयकारी सीताराम 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 बालक से ही वीर शिकार कर उठते हैं और चक्कर खा खा कर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीर से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार दर्पकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली राम कर रुधिर सरिता चली परम अपामनी दो कुल दल रथ रेत चक्र अबर से बहती भयामनी जल जंतु गज पद चर तुरंग खर विविध वाहन हो गने सर सत्य तोमर सर्प जाप तरंग चरम समझ धने सीताराम बजरंगी दर्पकों को भय उत्पन्न उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उनके दोनों किनारे हैं रथ रेत है सीताराम और पहिए भंवर हैं। वह नदी बहुत भयावह बह रही है हाथी पैदल घोड़े गधे तथा अनेकों सवारियां ही जिनकी गिनती कौन करे नदी के जल जंतु हैं बाण शक्ति और तोमर सर्प हैं धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। श्री राम प्रभु की कृपा भयव सब काजू सीताराम 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 जन्म हमारे सुफल भायाजू सीताराम 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 वीर परहि जनु तीर तरु मंजा बहु बहे फेन बजरंगी सीताराम अकादर देखि डरहि तहा सुभटन के मन चैन लखन सियाराम चंद शंकर हरि उमापति महादेव जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय गोस्वामी तुलसीदास जी की जय श्री रामचरित मानस की जय रामायण पुराण की जय शिव नवरात्रि की जय अशोक देवता की जय कथा विसर्जन हो जय सुनो वीर हनुमान जो जन जहाँ से आयहु सो तहाँ करहु प्रयान श्रोता सब आसन गए शंभ गए कैलाश रामायण वैकुंठ गई विदा हो हनुमान लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा उमापति महादेव जी जय पवन सुत हनुमान जी जय बोलो भाई सब संतन की जय। आज की श्री रामचरित मानस का जो संपूर्ण पाठ है भारतवर्ष चित्रकूट क्षेत्र बांदा जिले तल्ला क्षेत्र ग्राम पटारी ब्रह्मरे श्री ठाकुर धाम मंदिर में जो चल रहा है वो संपन्न हुआ। अतः आए हुए सम्मानित श्रोता भक्तों संतों सम्मानित माताओं बहनों आज श्री ठाकुर धाम के चरणों में दंडवत प्रणाम करो अपनी आस्था रखो उनका आशीर्वाद लेकर अपने शुभ स्थान को प्रस्थान करो। अतः कल पंचमी के दिन रावण वध की कथा सुनने के लिए आप सभी सादर आमंत्रित हैं। बोलिए श्री ठाकुर जी धाम की जय धन्यवाद राम सीताराम 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 सीताराम। आज सुबह नवरात्रि का आठवां दिन है अतः अष्टमी है श्री राम तो कथा प्रारंभ होत है सुनहु वीर हनुमान लय लय आसन बैठिए वीर वीर
कबीर मल खान लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी दो कुल दल रथ रेत चक्र अवर्त बाहति भयामनी जल जंतु गज पद चर तुरंग खर विविध बाहन को गनय सर शक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चरम कमठ धने श्री राम दर्पों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं रथ रेत है और पहिए भंवर हैं यह नदी बहुत भयावनी बह रही है हाथी पैदल घोड़े गधे तथा अनेकों सवारियां ही जिनकी गिनती कौन करे नदी के जल जंतु हैं बाण शक्ति और तोमर सर्प हैं धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं प्रभु की कृपा भयव सब काजो सीताराम 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 जन्म हमारे सुफल भाया जो सीताराम 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 वीर परहि जनु तीर तरु मंजा बहु बहे फेन सीताराम अकादर देख डरहि तहां सुभटन के मन छेन लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हों बहुत सी मन मज्जा बह रही है वही फेन है दर्पोंक जहां इसे देखकर डरते हैं वहां उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है मन यही भूत पिशाच बेताला सीताराम 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 प्रथम महा धोटिंग कराला सीताराम 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 काक कंक लय भुजा उड़ाही सीताराम 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 एक तीन एक लय खाही सीताराम 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 भूत पिशाच और बैताल बड़े बड़े छोटे वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रमथ शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं कौए और चीले भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन कर खा जाते हैं श्री राम एक कहानी आए शिव सौधाई सीताराम 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 छठहु कुम्हार दरिद न जाई सीताराम 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 कहरत भट घायल तट गिरे सीताराम 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 जहाँ तहाँ मनहु अर्ध जल परे सीताराम 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 एक कोई कहते हैं अरे मूर्खो ऐसी सस्ती बहुतायत है फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती घायल योद्धा तट पर पड़े कराह रहे हैं मानो जहां तहां अर्ध जल हुए व्यक्ति श्री राम जो मरने के लिए समय आधे जल में रह जाते हैं पड़े हो श्री राम यह दशा लंका में राक्षसों की है खै चाही बीध आत तट भाए सीताराम 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 जनु बंती खेलत चित दाए सीताराम 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 बहुभट बाही चढ़े खग जाही सीताराम 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 जनु नवारी खेलही शरमाही सीताराम 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 गीधे आते खींच रहे हैं मानो मछली
ए मार नदी तट पर से चित लगाए हुए ध्यान रस्त होकर बंसी खोल रहे हों, बंसी से मछली पकड़ रहे हों, बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उत्तम चढ़े चले जा रहे हैं, मानो वे नदी में नवारी नौका क्रीड़ा खेल रहे हों। जोगिनी भैरी भैरी खपर संचही सीताराम 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 भूत पिशाच बहु नभे मनंदनी सीताराम 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 सीताराम। योगिनियां खपरों में भर भर कर खून जमा रही हैं, भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं, चमुंडाएं योद्धाओं की झोपड़ियों का करताल बज रहा है और नाना प्रकार से गा रही हैं। जम्बुकुनी कर कट कटत कटही सीताराम 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 खाही हुआ ही अघाही दपटही सीताराम 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 सीताराम। कोटिन रुंड मुंड बिनु डोलही सीताराम 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 शीश परे मही जय जय बोलही सीताराम 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 सीताराम। राम गीदड़ों के समूह कट 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 शब्द करते हुए मुर्दों को काटते खाते हुआ हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं, करोड़ों घर बिना सिर के घूम रहे हैं श्री राम और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं श्री राम। बोलही जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर बिनु धावही खपरी में खग अजुल श्याम अलुछे जूझही सुभट भतन धहावही बानर निसाचर निकर मरदही राम बल दर्पित भये संग्राम अंगन सुभट सोवही राम सर निकरनी है श्याम। मुंड कटे सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं, पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर श्राम लड़े मरते हैं, उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को धाका रहे हैं, श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए बानर राक्षसों के झुंड को मसले डालते हैं, श्री राम के बाण समूहों से भरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। प्रभु की कृपा भयव सब काजू सीताराम 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 जन्म हमारे सुबल भाया जो सीताराम 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 सीताराम। रावण हृदय बिचारा भानिसचर संहार सीताराम मैं अकेले कपि भालू बहु माया करूं अपार माया करूं अपार। श्याम रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला हूँ और बानर भालू बहुत हैं, इसलिए मैं अब अपार माया रखूं। श्याम देवन प्रभु ही पया देखा सीताराम 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 उपजा उर अति क्षोभ विदेखा सीताराम 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 सीताराम। सुरपति निज रत तुरत पठावा सीताराम 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 हरस सहित मातली ले आवा सीताराम 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 सीताराम। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उन
के हृदय में बड़ा भारी जाम। क्षोभ दुख उत्पन्न हुआ फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया, उसका सारथी मातली हर्ष के साथ उसे ले आया राम। तेज पुंज रथ दिव्य अनुपा सीताराम 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 सीताराम, हरति चढ़े कौशलपुर भूपा सीताराम 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 सीताराम, चंचल तुरंग मनोहर चारी सीताराम 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 सीताराम, अजर अमर मन गतिकारी सीताराम 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 सीताराम। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज तेजोमय रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े, उसमें चार चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देव लोक के घोड़े जूते थे। रथ रूढ़ रघुनाथ रथा रूढ़ रघुनाथ ही देखी सीताराम 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 सीताराम, धाये कपि बहु पाय बिसेखी सीताराम 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 सीताराम, सही न जाए कपिन कै मारी सीताराम सीताराम बजरंगी सीताराम सीताराम, सब रावण माया बिसतारी सीताराम 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 सीताराम। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देख कर बानर विशेष बल पाकर दौड़े, बानरों की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाई, सो माया रघुवीर ही बाकी सीताराम 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 सीताराम, लक्ष्मण कपिन सोमानी सांची सीताराम 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 सीताराम, देखी कपिन निशाचर अनी सीताराम 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 सीताराम, अनुज सहित बहु कौशल धनी सीताराम 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 सीताराम। एक श्री रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी, सब बानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। बानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से राम को देखा, राम प्रभु की कृपा भयव सब काजू सीताराम 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 सीताराम, जन्म हमारे सुफल भायाजू सीताराम 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 सीताराम। बहु राम लक्ष्मण देखि मरिकट भालु मन अति अप डरे, जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण जहाँ सोता चित वहीं खरे, निज सेन सहित बिलोक हसी सर चाप सजी कौशल धनी, माया हरी हरि निमख महु हरसी सकल मर कटे अनी। बहुत श्री राम लक्ष्मण देखकर बानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए, लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहां के तहां खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि दुखों के हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर राम पल भर में सारी माया हर ली, बानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। बहु राम सब तन चितई बोले बचन गंभीर सीताराम, द्वंद युद्ध देखहु सकल समित भये अति वीर, लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरो तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद युद्ध देखो, अस कही रथ रघुनाथ चलावा सीताराम 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 सीताराम, वे प्रचरण पंकज सिरुनावा
सीताराम 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 तब लंकेश क्रुद्ध उर छावा सीताराम 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 गरजत तरजत सन मुख धावा सीताराम 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 सीताराम। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वे गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। जीत हुजे भट संयुग माही सीताराम 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 असुनु तापस मैं दिन सम नाही सीताराम 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 सीताराम। राम नाम जगत जय जस जाना सीताराम 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 लोक पे जाके बंदी खाना सीताराम 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 सीताराम। उसने कहा अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा ऐसा सारा जगत जानता है। लोकपालक जिसके कैद खाने में पड़े हैं हर दूसर विराज तुम मारा सीताराम 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 बजहु ब्याध इब बाली बिचारा सीताराम 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 निश्चर निकट सुभट संघार्यहु सीताराम 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 कुंभकर्ण घन नादहि मार्यहु सीताराम 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 सीताराम। उसने खरदूषण और ब्याज को मारा, बेचारे वाली ब्याज की तरह वध किया, बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के शवों का संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाद को भी मारा। आज पैर सब ले निबाही सीताराम 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 जौरन भूप भाजी नहीं जाही सीताराम 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 सीताराम। आज करो खलु काले हवाले सीताराम 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 करहु कठिन रावण के पाले सीताराम 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 सीताराम। अरे राजा यदि तुम रण से भाग गए तो आज मैं वह सारा बैर निकाल लूंगा। राम आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा, तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। सुनी दूर बचन काल बस जाना सीताराम 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 बिहसी बचन कह कृपा निधाना सीताराम 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 सत्य सत्य सब तव प्रभुताई सीताराम 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 जल पसी जनि देखाव मनुसाई सीताराम 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 सीताराम। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे काल बस जान कृपा निधान श्री राम जी ने हंस कर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद ना करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। जनी जल पेना करी सुजस ना सहिनी ते सुनहि करहि क्षमा संसार महापुरुष विचित्र घाप संसार महापुरुष त्रिविध पातल रसाल पन से क्षमा यक सुमन प्रद यक सुमन फल यक फल ही केवल लागही यक कहाही कहाही करही अपर यक करही कहत न बागही। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश ना करो, क्षमा करना तुम्हें नीते सुन।
सुनाता हूँ। सुनो, संसार में तीन प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल गुलाब आम और कटहल के समान एक पाटल फूल देखे जाते हैं, एक आम फूल और फल दोनों देते हैं और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, एक कहते हैं करते भी नहीं है और तीसरे केवल कहते हैं पर बाड़ी से कहते नहीं। प्रभु की कृपा भैया वे सब काजू, सीताराम 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 जनन हमारे सुफल बायाजू, सीताराम 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 सीताराम। रावण बचन सुन बिहसा कोई सिखावत ज्ञान, सीताराम अब एरू करत नहीं तब डरे अब लागे पिया प्राण, अब लागे पिया प्राण। श्री राम के वचन सुनकर वे खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो उस समय बैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। कही दुर्वचन कुद दस कंधर, सीताराम 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 कुलिस समान लागे छाड़े सर, सीताराम 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 नाना कर सिली मुख धाये, सीताराम 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 दिशियारु विधि से गम गगन मही छाए, सीताराम 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 सीताराम। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा, अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। श्याम पावक सर छाणव रघुवीरा, सीताराम 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 छन महु जरे निशाचर पीरा, सीताराम 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 छाण तीव्र शक्ति खिसियाई, सीताराम 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 बाण संग प्रभु फेरी चलाई, सीताराम 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 सीताराम। श्री रघुवीर ने अग्नि बाण छोड़ा जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए, तब उसने खिसिया कर तीव्र शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। कोटिन चक्र से तोले पवारे, सीताराम 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 बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारे, सीताराम 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 फल हो ही रावण सर कैसे, सीताराम 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 फल के सकल मनोरथ जैसे, सीताराम 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 सीताराम। वे करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। श्री राम सब सत बाण राम सब सत बाण सारे थी मारे, सीताराम 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 पर भूमि जय राम पुकारे, सीताराम 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 राम कृपा करी सूत उठावा, सीताराम 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 तब प्रभु परम खुद कहूँ पावा, सीताराम 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 सीताराम। तब उसने श्री राम जी के सारथी को सौ बाण मारे, वे श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया, तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए,
भय क्रोध योद्ध विरुद्ध रघुपति श्रोण सायक कस मसे को दंड धुनी अति चंद सुनी मनुजात सब मारुत ग्रसे मंदोदरी खर कंप कंपति कमथ भू भू धर त्रसे चिकरहि गज दसन गही मही देखी कौतुक सुर हसे सीताराम। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए, तब तरकस में बाण कसने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य पक्षी सब राक्षस बात ग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा, समुद्र कच्छप पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं में दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांत से पकड़ कर चिघाड़ने लगे। यह कौतुक देख कर देवता हंसे और आकाश से प्रभु श्री राम जी के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। राम प्रभु की कृपा भयव सब काजू, सीताराम 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 जन्म हमारे सुफल भाया जो, सीताराम 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 सीताराम। तान उठा प्रसवन लगी ताने, अभिषेक कराल सीताराम। राम मार जन जन चले लहा लहा जन ज्याल, लहा लहात जन ज्याल लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा पति महादेव जय। पवन सुत हनुमान जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, ब्रो भाई सब संतन की जय, चित्रकूट धाम की जय, शुभ नवरात्रि की जय, आज के पावन पर्व की जय, अशोक देवता की जय, राम चरितमानस की जय, रामायण पुराण की जय, परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आय हो श्रोता करहु पयान। श्रोता सब आसन गए शंभु गए कैलाश, रामायण वैकुंठ गई अबुदा हो हनुमान। लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा, आज की संपूर्ण श्री रामचरित मानस की कथा यहीं पर संपन्न होती है। अतः कल की संपूर्ण श्री रामचरित मानस पाठ की अगली कथा सुनने के लिए श्री ठाकुर जी धाम मंदिर में आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। समस्त सम्मानित माताएं बहने एवं सम्मानित श्रोता भक्त सभी श्री ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम करें, अपनी आस्था रखें, उनका आशीर्वाद लेकर अपने शुभ स्थान को प्रस्थान करें। धन्यवाद। बोलिए श्री ठाकुर जी धाम की जय। राम जी जहाँ कहीं भी हो तुरंत अशोक के नीचे रामचरितमानस में आ जाए। धन्यवाद।